एक वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा का दिन के रूप में आज का दिन जाना जाए, इसके लिए आज का दिन हमने चुना कि एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का ये दिन और भारत वैश्विक स्तर पर हेल्थ के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में पूरे विश्व को लीड करे, एक आत्मनिर्भर भारत से लेकर के विश्व का प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर बने, इसके लिए हम योग और आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक प्रमाणता और प्रामाणिकता के साथ प्रतिष्ठापित करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लिए गौरव की बात है कि पहली बार एक वैश्विक स्तर पर हमारे देश के एक खुद जो डॉक्टर हैं और हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनको WHO के गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पर एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व निभाने का सौभाग्य मिला है। कोरोना के जो पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए और किस तरह से कोरोनिल स्वासारी अरुण तेल के द्वारा हमने लाखों लोगों की जान बचाई और करोड़ों लोगों के भीतर हमने हौसला जगाया और सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट, मैं किसी भी पैथी के संघर्ष को यहाँ पर प्रतिष्ठापित नहीं करना चाहता, भारत में सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट है, सबसे कम डेथ रेट है और करोड़ों लोग संक्रमित होने के बाद स्वस्थ हुए हैं, तो उसमें जहां एक ओर मॉडर्न मेडिकल साइंस की भूमिका है तो दूसरी ओर उसमें बहुत बड़ी भूमिका उसमें हमारे एंसेंट साइंस की भी है, योग आयुर्वेद की भी है। करोड़ों लोग अपने घर पर बैठे भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम सूर्य नमस्कार योगिक प्रैक्टिसेस कर रहे थे, करोड़ों लोग अपने घरों में काढ़ा पी रहे थे, कषाय पी रहे थे, क्वाथ पी रहे थे और उससे एक नया कीर्तिमान बना है। मॉडर्न तरीके से, साइंटिफिक तरीके से आयुर्वेद को अच्छी ढंग से पूरे दुनिया में पुनर्स्थापित करने की जो यज्ञ है, इसमें जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा आहुति डाली जाएगी वो भारत के लिए तो एक प्रकार से गर्व और गौरव का विषय होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये पूरी मानवता की, पूरे देश के, दुनिया के लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए भी ये एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसलिए इसको विश्व कल्याण का एक बहुत बड़ा प्रकल्प मानकर इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं हृदय से बाबा जी को, उन्होंने आग्रह किया कि मुझे यहाँ पर आकर जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है, तो उनके आदेश का मैंने पालन करते हुए मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन जितनी भी बातें मैंने कही हैं वो बहुत गहराई से कही हैं, गंभीरता से कही हैं, अध्ययन करने के बाद कही हैं, इसलिए इनके बारे में किसी भी किस्म का शक शुभा संदेह अपने मन में कोई भी ना रखे, ये मेरी आप सबसे विनम्र विनती है।